हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक पॉपुलर मैंगलोरियन डिश, चिकन घी रोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। जिसके लिए हमें ये सारी सामग्री चाहिए। ये जो चिकन घी रोस्ट रेसिपी है, मैंगलोर के पास एक छोटे से गांव से इजाद हुई है, जिस गांव का नाम है कुंदापुर। मैंने ये डिश उडुपी में खाया था, तो मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद आया, तो क्यों ना इसे बनाया जाए घर पर ही और इसका आनंद लिया जाए। इसलिए चलिए बनाते हैं। अगर आपको मसालेदार खाना पसंद है तो ये डिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप अपने स्वाद अनुसार मसाले बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन इसमें घी की अच्छी मात्रा में प्रयोग की जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इसे ठंड के दिनों में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि ये घी में बनती है। मैंने पैन को गरम करके ले लिया है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। पहले डालेंगे सूखी मिर्च और साबुत धनिया, जिसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब इसमें डालेंगे अखा जीरा, लौंग और काली मिर्च, और एक छोटी चम्मच सौंफ और आधी छोटी चम्मच मेथी के दाने डालकर हमें इसे अच्छे से भून लेना है। हमें इसे अच्छे से धीमी आंच में भून लेना है, जब तक ये कड़क ना जाए। देखिए, हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे। अब हम मसाले पीसने की तैयारी कर लेते हैं। ग्राइंडर जार में हमें अदरक लहसुन लेना है और भुना हुआ मसाला डालेंगे। इसे दरदरा पीस लेंगे। इसमें हमें पानी डालकर नहीं पीसना है, इसमें हम डालेंगे इमली का पल्प और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम डालेंगे नींबू का रस, कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच, एक चम्मच हल्दी पाउडर और हमारा पिसा हुआ मसाला चिकन में डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तीन चौथाई कप दही भी डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम ढककर अच्छे से रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। आधे घंटे के बाद देखिए चिकन हमारा मैरिनेट होकर तैयार है। कढ़ाई को हमने गर्म करके ले लिया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी गर्म हो जाने पर हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। और प्याज को भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। सारे चिकन डालकर हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हमें इस डिश में बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है। ये इसी तरह से घी और इसके भाप में पकेगा। इसका लिड लगा देंगे। अब हम अब इस डिश का सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें, गुड़। गुड़ डालने से जो हल्का मिठास आएगा इसमें, उससे इसका टेस्ट और उभर कर आएगा। इमली की खटास, गुड़ की मिठास और सारे मसाले का फ्लेवर्स। तो देखिए हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है एकदम घी में, इसलिए इस डिश का नाम है चिकन घी रोस्ट। अब इसमें जाएगा फ्रेश कड़ी पत्ते, अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए हमारा डिश एकदम बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी हमारा बनकर तैयार है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को घर पे बनाइए, खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और इसका आनंद लीजिए। आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसमें मैं गार्निश कर रही हूँ कटे हुए प्याज के साथ और नींबू के साथ। वो ऑप्शनल है, वो आपकी पसंद के अनुसार आप कुछ भी रख सकते हैं।
मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशंस आपको आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।